हिजबुल्ला को लग गई थी और इजराइल को फिर ये करना पड़ा। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन एक और बड़ी खबर जो आ रही है लेबनान में धमाकों के बीच सीरिया में एडवाइजरी जारी की गई है। लेबनान में असद सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, सुरक्षा बल वायरलेस सेट का इस्तेमाल बंद करें ये कहा गया है। सुरक्षा बलों और साथ ही साथ जो एजेंसीज हैं वो सैन्य बलों को भी अलर्ट किया गया है। तो यहां मैं मधुरेंद्र जी आपसे ये समझ रही थी कि हिजबुल्ला, आपने कहा कि उसको पहले ही इस बाबत जानकारी लग गई थी कि इजराइल मोसाद जो है वो कुछ ऐसा करने वाला है, तो उनके पास अब यही समय था। उनको या तो ये था कि भाई अभी कर दिया जाए ये अटैक, जिसका दूसरा चरण भी अब शुरू हो चुका और हो सकता है कि कल हमको तीसरा भी देखने को मिले यहां पर, या तो अभी करो और वरना भूल जाओ। देखिए बिल्कुल, इस सिक्योरिटी कंप्रोमाइज और टेम्परिंग के बाद सही समय का इंतजार दरअसल इसराइल कर रहा था, मोसाद कर रहा था, लेकिन ऐसी जानकारी मिली कि हिजबुल्ला के लड़ाकों को ये दरअसल चेक हो गया था कि जो पेजर उन्हें डिलीवर किया गया है वो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हैं और कभी भी उनके लिए घातक साबित हो सकते हैं। और ऐसे में जब तक हिजबुल्ला अलर्ट होता ये जानकारी मोसाद को मिली और मोसाद ने एक एक कर पेजर उड़ाने शुरू किए। अब दरअसल जो दूसरे डिवाइसेज हैं उनको भी इस वक्त उड़ाया जा रहा है, यानी दूसरी लहर चल पड़ी है जिसमें नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग वॉरफेयर के सबसे बड़े मॉड्यूल को इस वक्त अंजाम देता हुआ इजराइल लेबनान की जमीन पर हिजबुल्ला के खिलाफ दिखाई दे रहा है। और इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से बड़े पैमाने पर जो लेबनान में डिलीवर हुए डिवाइस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, बैटरी वाले डिवाइस हैं, उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज है, वो टेम्पर्ड हैं और उनको ब्लास्ट करने की ताकत इस वक्त जो है इजराइल रखता है। और जाहिर है कि उसका नमूना, उसका नजारा इस वक्त दुनिया देख रही है। नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग वॉरफेयर के दौर में हम देख रहे हैं पिछले 2.5 से 3 साल में, चाहे वो हम खासतौर पर इसराइल और हमास के बीच की जंग देखें या इस वक्त हम देखें कि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसमें खासतौर पर मिसाइल के जरिए और बैलिस्टिक और खासतौर पर आप देखिए कि इंटरकॉन्टिनेंटल जैसे मिसाइल के जद में एक दूसरे को लेने की जो चाहत है, एयर स्ट्राइक है, ये दरअसल माना जा रहा था। ड्रोन और यूएवी उसमें एक नेक्स्ट लेवल जो थे वो प्ले कर रहे थे, लेकिन अब उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ते हुए इस तरह के कंप्रोमाइज डिवाइस के जरिए ब्लास्ट को अंजाम देकर इसराइल ने दिखा दिया है कि हाइब्रिड वॉरफेयर का ये नया स्वरूप है, ये नई ताकत है जिसमें आप किसी भी गैजेट को, नई ताकत है और मोसाद ने ये बता दिया है इससे पहले, जिसके लिए वो जाना ही जाता है, सस्पेंस थ्रिलर और साथ ही साथ अपने वो गुप्त ऑपरेशन। इस पॉइंट पे मैं आऊंगी, लेकिन एक और इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है।